सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जियो फोन के दोस्तों हम एवितर ऐप को दोस्तों कैसे चलाएं, यानी दोस्तों उसकी आईडी कैसे बनाएंगे। दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको जियो फोन डेटा कनेक्शन ऑन करना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार इस स्टोर को ओपन करना है। इस स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखो दोस्तों तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको, तब दोस्तों मुझे समझ में आएगा कि इस एवितर ऐप दोस्तों इसको कैसे कैसे चला जाता है और ये क्या कुछ काम आता है जियो फोन के अंदर। तो यह रहा एवितर ऐप, तो इसको एक बार हम इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है और आपको दोस्तों अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा यूट्यूब पे दोस्तों कि जियो फोन के दृश्य एवितर ऐप को कैसे चलाया जाता है। दोस्तों मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ और इसकी आज हम आईडी भी बनाएंगे। और दोस्तों आपने बहुत सारे फेक वीडियोस देखे होंगे जियो फोन के अंदर एवितर ऐप इस तरह चल रहा है, यह सेटिंग ऑन कर दोस्तों, यह बहुत सारे दोस्तों वीडियोस देखे होंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपने एवितर ऐप को चलाया नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नया इंटरफेस भी आएगा, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों वीडियो को देखना है पूरा, तब दोस्तों वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको इसका यूज करना है। दोस्तों यहाँ थोड़ा लोडिंग ले रहे, थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं, ओपन हो रहा है और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके की इसकी दोस्तों आईडी कैसे बनानी है हमारे को। और दोस्तों एक बार ये ओपन हो चुका है, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आता है यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे करना है लॉग इन। और दोस्तों अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको काट देना है, यानी इसको ऑफ कर देना है आपको। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आपको दोस्तों ब्राउजर दिखाई दे रहा होगा, ब्राउजर को अंदर जाना है आपको। और ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यानी अपनी जीमेल को साइन इन कर लेना है, यानी नीचे आना है और यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपनी जीमेल को। और अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, एस यहाँ पे करना है आपको एस, कीपैड के बहुत फास्ट मान रहे हैं, मैं इसके लगाया एस एस ओ लॉग इन। ये दोस्तों ये हमारी एस एस आई डी होती है दोस्तों, और आपको दोस्तों यहाँ पे एस एस आई डी लगा देते हैं पहले दोस्तों, ये एस एस ओ को काट देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों हमको क्या कुछ करना है मैं बताऊंगा नीचे, यानी एस एस आई डी लॉग इन, उसके बाद नीचे आना है और इस पहली वेबसाइट उधर है राजस्थान सिंगल वन, इस साइट पे जाना है आपको। यानी दोस्तों आपको यहाँ से आईडी बनानी है और उसके बाद दोस्तों आपको एवितर ऐप दोस्तों जियो फोन के अंदर उसके अंदर हमारे को उसके बाद वो आईडी जो बनाएंगे वो हमारे को लगानी है। तो दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तब तक थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस भी आ चुका है और अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार हो गया करना है और एक बार इसको छोटा कर लेना थोड़ा सा। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हिंदी में ज़्यादा आपको समझ में आ जाए दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ कि आपको भी यह करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आने है, थोड़ा साइड लोडिंग ले रहा है, राजस्थान सिंगल वन यानी एस एस आई डी का नाम होता है। और उसके बाद आपको लॉगिन पे नहीं करना है, आपको पंजीकरण पे प्रेस करना है। तो मैंने पंजीकरण पे प्रेस किया तो दोस्तों, और यदि आपकी इंग्लिश में होगा तो यहाँ पे रजिस्टरिंग, तो आपको रजिस्टर कर लेना है आपको राज एस एस आई डी को। दोस्तों थोड़ा छोटा करते हैं। अब दोस्तों आप इसको क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, अपने भामाशाह से भी अपनी एस एस आई डी को बना सकते हैं, अपने आधार कार्ड से भी बना सकते हैं, अपने फेसबुक से भी बना सकते हैं और ट्विटर अकाउंट से भी बना सकते हैं और ऐसे गूगल से भी बना सकते हैं। चलो दोस्तों हम गूगल से बनाते हैं, और आधार कार्ड से, भामाशाह कार्ड से, फेसबुक से, ट्विटर से, इन सभी से आप अपनी
SSID लॉगिन या लॉगिन सॉरी इसको आप बना सकते हैं यानी साइन अप कर सकते हैं। चलो मैं गूगल पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अपनी जीमेल जो भी साइन इन होगा दोस्तों, मैं आपको पहले भी बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको जीमेल होगी दोस्तों, एक आपको साइन इन कर लेनी है। गूगल खाते में प्रेस कर रहा है और थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे नहीं देखा होगा जो मैं बता रहा हूँ, यानी इसको आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो दोस्तों आपको पहले इस वीडियो को पूरा देखना है, तब उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ऐप के अंदर ये सब कुछ लगाना है। आपको इस तरह आईडी बनानी है आपको, और यार गूगल खाते में प्रेस करें, कुछ नया इंटरफेस भी आया यहाँ पे, और उसके बाद आपको नीचे आना है दोस्तों, गूगल खाते में प्रवेश के राज गवर्नमेंट, और अब साइट ने थोड़ा लोडिंग ख़त्म कर दिया दोस्तों, आपको नीचे आना है, इस जो भी आपके पास जी मेल साइन इन होगी उस पर प्रेस कर देना है। और मैंने इसके अंदर जी मेल दोस्तों पहले से के अंदर लॉग इन किया हुआ है, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक काम बन जाएगा यहाँ से, और आगे क्या कुछ करना होगा मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है, रिडायरेक्ट की सूचना, पिछले पेज आपको राज गवर्नमेंट एसएस भेज रहा है, और अगर आप नहीं जाना चाहते इस पर दबा सकते हैं, और जाना चाहते हैं तो उस ऊपर वाले पे दबाओ, यानी दोस्तों हमारे को जाना है आईडी बनानी है तो इस ऊपर वाले पे प्रेस करना है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है, तब दोस्तों आपको वेट करना है, हो गया, और यहाँ पे छोटा करना एक बार यानी इसे बड़ा करने में। और अब दोस्तों इसके अंदर क्या आता है, जो भी आपकी जीमेल साइन इन होती है दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देती है, और इसको छोटे के भी देख ही नहीं सकते हम, और उसके दोस्तों यहाँ पे इसका ऊपर यूज़र नेम होता है दोस्तों, इसको आप बदल सकते हैं, और मैं इसका यूज़र नेम करता हूँ सभी को कैपिटल में करते हैं, यानी कैपिटल में अच्छा रहेगा, और मैं करता हूँ इसका जे ए जे ए वाई के ए आर चेक करने में इसके नाम लिखा है, और इसका पासवर्ड है वो हम डालते हैं कुछ, यानी पासवर्ड इसके अंदर मैं मोबाइल नंबर या फिर कुछ डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर दोस्तों अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर मैं इसके अंदर अपना कुछ नाम डालता हूँ, पासवर्ड कमजोर है, और इसके अंदर मैंने पासवर्ड लगा दिया है, और नीचे वाले पे यानी यहाँ पे डबल पासवर्ड मांगेगा दोस्तों, आपके भी मांगे दोस्तों, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डबल पासवर्ड, उसके बाद दोस्तों क्या करना है अपने वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें, यानी मोबाइल नंबर OTP दे जाएगा, लेकिन OTP लगाना भी पड़ सकता है नहीं भी लगाना पड़ सकता है, तो मैं उसके अंदर OTP डालता हूँ, कोई नंबर डालता हूँ अपने, तो मैंने इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आगे ऑटोमेटिक बन जाएगा, और पंजीकरण करें, तो मैंने पंजीकरण पे प्रेस किया है, और यहाँ पे क्या कुछ है देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा, स्पेशल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अदर इमेटेबल पॉलिसी ईमेल एट मामासा, ओके,
तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों इसके अंदर यानी ये आईडी दोस्तों बन चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यानी आईडी लॉगिन दोबारा करनी कर सकते हैं और नहीं करनी तो नहीं भी कर सकते हैं। चलो मैं एक बार इसको निकलता हूँ यहाँ से बाहर, और ये रहा अपना इमितर ऐप, इसको करते हैं हम ओपन। जो भी यूजर नेम था और जो भी आपके पासवर्ड थे वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा ओपन होने में। और अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि अपना यूजर नेम डालो यहाँ पे जो आपने बनाया था। और जो पासवर्ड थे वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। दोस्तों यूजर नेम दोबारा लगा रहा हूँ, यानी पासवर्ड थे थोड़ा गलत लग चुके हैं। यानी यहाँ पे इसके पासवर्ड है वो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों, आप पासवर्ड को दिखा भी सकते हैं। देखो पासवर्ड दिखाते हैं हम, अब इसको करते हैं लॉगिन। दोस्तों ये अपनी आईडी लॉगिन हो चुके हैं और इसके अंदर आ रहा है कि बेसिक इन्फो आपके क्या कुछ इन्फो है, तो ये बामा साइड यहाँ पे लॉगिन लगा सकते हैं और अपनी जाति वाति लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर कैटेगरी जनरल या जनरल करते हैं, जाति क्या कुछ है आपकी सेलेक्ट कर दो यहाँ से, और यहाँ से उपजाति क्या है आपकी प्राइवेट कुछ भी कर दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके अंदर यह कर रहा हूँ, और इसका धर्म क्या है आपका हिंदू या मुस्लिम हो जो भी कर लो आपने, और इसको मैरिड अनमेरिड यानी आपके शादी हुई है या फिर नहीं हुई तो अनमेरिड कर दो यानी शादी नहीं हुई तो, और आय की स्थिति इसके अंदर शो नहीं कर रहा है, अपने माता का नाम क्या है। चलो हम कुछ नाम लगा देते हैं यहाँ पे, अपने माता का नाम लगाना आपको यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लगाना है तो वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। इसके मैंने अंदर मेरे पिताजी का नाम लगा दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भी लगा सकते हैं, इनफो कॉन्टेक्ट इनफो और प्रस्तुत करना, तो इस पर प्रेस करना है तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है अपने लगा दिया है ये। अब दोस्तों ये इस तरह का इंटरफेस आता है जब दोस्तों आप इसको लॉगिन करते हैं होंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट आता है। और दोस्तों आपने दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखा ही नहीं होगा इमितर ऐप के अंदर, और यहाँ पे थ्री डॉट पे दोस्तों अपना बिल भी वो भर सकते हैं आप, गेट एप्लीकेशन स्टेटस यानी दोस्तों जो भी आपको दोस्तों जाति प्रमाण पत्र या फिर
आपके कुछ दोस्तों स्टेटस देखने होते हैं एप्लीकेशन के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं गेट एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर हमने प्रेस किया है और थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं। और यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर, जो भी आपके पास नंबर होते हैं, मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नंबर लगाता हूँ आपके सामने, इसके नंबर लगाया। और यहाँ से बीच वाले बटन से प्रेस नहीं करना है आपको, यहाँ पे गेट स्टेटस तो यहाँ पे है नो डाटा। ये दोस्तों एक इसके अंदर अंक थोड़ा सा कम रह गया, और गेट स्टेटस इस पर आपको प्रेस करना है। तो प्रेस करोगे दोस्तों आपके सामने आ गया, यानी सर्विस दे दोस्तों ये आपके, और ये इसका वॉलेट वॉलेट है दोस्तों, पता नहीं क्या कुछ है, और ये हमने लगाया है। तो मैंने आपको ये बताया आपको, और उसके बाद आपको बैक आ जाना है। ये दोस्तों आप कुछ छेड़छाड़ मत करना है, छेड़छाड़ करोगे तो आपके ही गड़बड़ होगी। वही ट्रांजेक्शन इस पर भी आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं अपना, यानी अपने इस आईडी से क्या कुछ ट्रांजेक्शन या फिर क्या कुछ हमने काम किया है, यानी ओल पे, यानी अपने यहाँ पे सर्च डाल सकते हैं कौन सा बैंक का है वो भी है। पेमेंट मोड वो मैं यहाँ पे इधर लेता हूँ, पेमेंट मोड यानी कौन सा आपका बैंक है, इलाहाबाद बैंक है या कौन सा बैंक है, अपने से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर लगा कि आपने क्या कुछ ट्रांजेक्शन नंबर थे। और इस थ्री डॉट पे दोबारा प्रेस करना है आपको सब्सक्राइब सर्विस, इस पर भी चेक कर सकते हैं आप, और डिपार्टमेंट सर्विस, और इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर सर्विस वो लगाते हैं के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमें वेरीफाई पेंडिंग ट्रांजेक्शन, इस पर हम करते हैं प्रेस, यानी जो भी डेट लगा दो कौन सा डिपार्टमेंट का तो वो लगा दो और सबमिट कर दो, अपने जो भी डिटेल्स होगी वो आपके सामने डिटेल आ जाएगी आपके सामने। उसके बाद आपको नीचे आना इनबॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं, एडिट प्रोफाइल इनबॉक्स, और यानी रिक्वेस्ट आईडी वो भी आप चेक सकते हैं। इसके अंदर रिक्वेस्ट आईडी लगा जो भी अपने की रिक्वेस्ट किया है, इसको देख लेते हैं। और यहाँ से इसको लॉन्ग आउट कर सकते हैं, फीडबैक यानी अपना जो भी फीडबैक होता है दोस्तों वो आपको यहाँ पे लिख कर सेंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, और देखो सब्जेक्ट देखते हैं हम, एक दो का हम पे प्रेस करके चेक करते हैं, यानी कंटेंट डिजाइन या कुछ भी एग्रीमेंट कंटेंट, और संदेश यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसमें संदेश नहीं लिखते क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हमारे, तो इसको बेच देते हैं यानी इसको हम बाहर निकल जाते हैं ऐप से। दोस्तों मैंने आज आपको बताया जियो फोन के दोस्तों आपको ई मित्र ऐप को चलाना सिखाया और आईडी बनाना भी सिखाया। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, लाइक करोगे दोस्तों मेरे को पता चलेगा दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों आईडी बनानी आप सीख लिए होंगे दोस्तों, यदि नहीं बनती है तो नीचे कमेंट बॉक्स बताना कि आईडी हमारे द्वारा नहीं बन रही है। दोस्तों मैं आपके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा और उसके अंदर आपको बताऊँगा कि इस तरह आईडी बनाऊँ जल्दी से, और इसको दोस्तों जल्दी से यानी जल्दी जल्दी आईडी बनाने का वो भी मैं तरीका लेकर आने वाला हूँ। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि हमारे को वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।